सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको करने के लिए दी थी, वो एक्सरसाइज में मैंने कुछ आंसर लिखे हैं, बाकी के हम साथ में लिखेंगे। तो ये जो पहला है फादर, वो क्या है? पर्सन एनिमल थिंग की प्लेस, पर्सन है ना, और पर्सन और पीपल दोनों एक ही है, तो इधर मैंने क्या लिखा है? फादर। और गांधी जी, वो भी पर्सन में आएंगे। फिर मोबाइल, मोबाइल क्या हुआ? थिंग हुआ, तो वो हमने इधर थिंग में लिख दिया है। काउ, काउ क्या है? एनिमल, तो हमने वो कहाँ लिखा? इधर एनिमल। ऑफिस, ऑफिस क्या है? प्लेस है, पापा जाते हैं ना ऑफिस काम करने, तो ऑफिस ऐसी जगह है जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो ऑफिस किधर आएगा? प्लेस में। अब उसके बाद पैरोट, पैरोट क्या है? बर्ड है, और एनिमल और बर्ड तो इधर ही आएंगे। फिर है चर्च, चर्च में क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, तो हम इधर प्लेस में क्या लिखेंगे? चर्च। दक्ष, दक्ष क्या है? वो नाम है, किसका नाम है? बॉय का नाम है, तो हम इधर इधर लिखेंगे दक्ष। वो कौन है? पर्सन। बाउल, बाउल क्या है? थिंग, तो हम इधर लिखेंगे बाउल। जेब्रा, जेब्रा क्या है? एनिमल, तो हम इधर लिखेंगे स्कूल। स्कूल क्या है? ऐसा प्लेस जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो हम स्कूल कहाँ लिखेंगे? इधर प्लेस। फिर है पेंसिल, पेंसिल क्या है? थिंग। बूच, बूच क्या है? नेम है ना सिटी का, तो वो भी कहाँ आएगा? प्लेस में। नोटबुक, नोटबुक क्या है? थिंग। उसके बाद आउल, आउल क्या है? बर्ड, पर वो आएगा एनिमल में, इधर हम एनिमल और बर्ड के नाम लिखते हैं ना। और लास्ट में है पूर्वी, पूर्वी वो नेम है गर्ल का, तो वो क्या हुआ? पर्सन, इसलिए हमने इधर लिख दिया पूर्वी। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज के आंसर, देखना कितने आपके सही है और कितने रॉन्ग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।